रेड शासन, यह एक तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर ये मूवी आपने अभी तक नहीं देखी ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये काफी कमाल की मूवी है, सच में ये काफी कमाल की मूवी। यह मूवी स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा सस्पेंस से भरा हुआ है। यह मूवी एक साइको किलर की है, जो कि किसी को मारने में एक भी रहम नहीं करता, जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, और यह एक एक करके सभी लड़कियों को मारता है, और इतनी गंदे तरीके से मारता है ना कि आप देख कर ही दंग रह जाएंगे। जिन लड़कियों को मारता है ना, उसे इस तरीके से मारता है कि देखने वाला की भी रूह कांप जाती है। जिन लड़कियों को आता है ना, उसके बाद वो एक गुड्डा पहुंचाता है उसके घर। जो हालत उस गुड्डे की हुई होती है ना, सेम वही हालत वो लड़की को करता है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, इसलिए मैं आपको इसको पूरा कहानी नहीं बता पाऊंगा। बस मुझे जितना जरूरी लगा मैंने उतना ही आपको बताया। अगर मैं आपको कुछ और बता दूं, तो आपका सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। मैंने आपको वही चीज बताई जो मूवी में एकदम सामने दिखाया जाता है। मूवी में वो लड़की को क्यों और कैसे मारता है, यह एक सस्पेंस है। और मूवी में स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसे ऐसे सस्पेंस सीन है, जो इस मूवी को पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। इसमें लव स्टोरी भी है, लेकिन इस मूवी की एक अच्छी बात यह लगी, इसमें बीच में गाना घुसाने का कोशिश नहीं किया गया है, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि अगर बीच में गाना घुसाया जाता है, तो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को देखने का मजा खराब हो जाता है। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसकी म्यूजिक की वजह से ही यह मूवी काफी सस्पेंसी लगती है, काफी अच्छा निकल के आता है। इस मूवी में सभी का काम काफी अच्छा है, कुछ भी ओवर दिखाने की कोशिश नहीं किया गया। इस मूवी को देखते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी हमारे सामने हो रही है, एकदम रियलिटी। ये मुझे इस मूवी की काफी अच्छी बात लगी, और इसका सस्पेंस और थ्रिलर तो काफी शानदार है। अगर आप लॉकडाउन में फंसे हुए हो, एक्चुअली आप फंसे ही हुए हो, तो इस मूवी को देख लो, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मूवी। अगर आप इस मूवी को नहीं देखे हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मूवी। ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी काफी कम ही देखने को मिलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मूवी को कहाँ देखे, तो यह मूवी यूट्यूब पे भी हिंदी में अवेलेबल है। मैं तो इस मूवी को देखने के लिए फुल्ली रिकमेंड करता हूँ। तो जाइए और इस मूवी का मजा लीजिए। साथ ही इस चैनल पे आपको कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।